एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन से सफर कर रहे थे और उस समय टीटी वहां पे आया और सबके टिकट चेक करने लगा। तो जब उसने अल्बर्ट आइंस्टाइन से उनका टिकट मांगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले एक पॉकेट में देखा, फिर दूसरे पॉकेट में देखा, फिर जो है उन्होंने अपने जो पैंट की जेब थी वहां देखा, फिर नहीं मिला, फिर वो नीचे सीट के देखने लगे। ऐसे करके वो टिकट को बहुत डेस्परेटली ढूंढने लगे लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। तो टीटी ने कहा कि आइंस्टाइन साहब, मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, आपको टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे विश्वास है कि आपके पास टिकट होगा, आप प्लीज़ उसके लिए चिंता ना करें। और ऐसा कह के वो अगले पैसेंजर की तरफ चला गया और बाकी लोगों के टिकट चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी जो है वो टिकट ढूंढने पर लगे हुए हैं और सब तरफ जो है टिकट की तलाश कर रहे हैं। वो फिर उनके पास में आया और उसने कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं, मैं आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लूंगा, आप आराम से ट्रेवल करें। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मैं आपके लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए टिकट ढूंढ रहा हूं कि मुझे पता तो चले कि मुझे उतरना कहाँ है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ से आती है। और हम इस कहानी में देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि दुनिया के सबसे महानतम साइंटिस्ट में एक थे, वो भी छोटी छोटी चीज़ों को कैसे भूल जाते थे। देखिए, इसमें एक बात समझने की यह है कि अगर एक आम आदमी जैसे आप और मैं अगर मान लिया अपना टिकट भूल जाएं, तो लोग कहेंगे ये तो बड़ा लापरवाह आदमी है। और अगर हम ये भी ना याद रखें कि हमें कहाँ उतरना है, तो लोग शायद हमें मूर्ख ही समझेंगे। लेकिन आपने देखा कि ये जो कहानी है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जब कही जाती है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की लोग इज्जत बढ़ा देती है और लोग समझते हैं कि ये बहुत जीनियस आदमी है। और जो जीनियस आदमी है, अगर वो भूल भी जाता है, तो जो है उसकी महानता जो है बजाय कम होने के बल्कि बढ़ जाती है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखी होगी कि अगर मान लिया आपका टिकट ना मिले, आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो टीटी शायद आपको अरेस्ट करके जेल भेज देगा या आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा देगा। लेकिन इस केस में चूंकि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनके ऊपर ना तो कोई पेनल्टी लगाई गई, ना उनको जेल भेजा गया, और उनको ये प्रिविलेज दिया गया कि भाई आप बिना टिकट के भी अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। अब देखिए, ये जो कहानी है, इससे हम इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात तो हम यहाँ से ये सीखते हैं कि हम जो है सब लोगों को एक तरह ट्रीट नहीं करते हैं। हम जो सफल लोग होते हैं, जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लोग होते हैं, उनके साथ में अलग तरीके से बिहेव करते हैं और बाकी लोगों के साथ में हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं। और इसलिए एक तो हमारे पास में रास्ता ये है कि हम उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करें जिनको सोसाइटी प्रिविलेज देती है, और दूसरा तरीका ये है कि हम अपने को उस लायक बनाएं जिससे कि सोसाइटी जो है हमें स्वयं जो है वो प्रिविलेज दे। दूसरी चीज़ इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि कोई भी अगर व्यक्ति महान हो जाता है, तो उसकी जो छोटी मोटी जो बुराइयां होती हैं, वो सारी के सारी छुप जाती हैं। और न केवल छुप जाती हैं, बल्कि वो बुराइयां ऐसा लगता है कि जैसे उसकी अच्छाई को चार चांद लगा देती हैं। जैसे कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी ये जो भूलने की आदत है, वो उनकी वीकनेस की जगह पे उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी कंसिडर की जाती है। और आज हम उनको एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं कि बाकी सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ अपनी जो है वो थिंकिंग और अपनी साइंटिफिक रिसर्च पे ध्यान देते थे। तो दोस्तों, ये भी हमें इससे सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी एक स्किल को बहुत आगे लेके जाते हैं, तो हमारी बाकी जो कमजोरियाँ हैं वो सब भी उसमें छुप जाएंगी। और देखिए, जो महान व्यक्ति होता है, हमें वो परफेक्ट नज़र आता है, वो इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट होता है, उसके अंदर भी सैकड़ों कमियां रहती हैं, लेकिन लोगों का जो फोकस रहता है उसके महान कार्यों पर रहता है और उसकी कमियों पर नहीं रहता है, और इस वजह से वो हमें महान दिखाई देता है। तो इसलिए हमें ज़िंदगी में ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो बजाय इसके कि उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करें कि जिनको कि सोसाइटी प्रिविलेज देती है, हमें ऐसा स्वयं बनना चाहिए कि हमें जो है वो प्रिविलेजेस इस ज़िंदगी में मिल सकें।